Hello and welcome to Veg and Vegan Stories. For our English viewers, we have introduced English subtitle in our videos, so you can enable the caption to see the subtitle. तो आज हम बनाने वाले हैं चोको फिल स्वीट कचौड़ी. और इसको बनाने के लिए हमको क्या क्या चाहिए, चलिए मैं आपको बता देती हूँ. ये मैंने एक कप मैदा लिया है, ऑल पर्पज फ्लावर भी बोलते हैं इसको. शुगर पाउडर लिया है, शक्कर का भूरा, आधा चम्मच बेकिंग सोडा लिया है, और ये कुछ मैदा लिया है जो कि बाद में अगर यूज़ होगा तो ही यूज़ करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे. और ये फिलिंग के लिए मैंने डार्क फैंटेसी की चोकोफिल्स कुकीज़ ली हैं. और अगर मार्केट में और भी कुकीज़ आती हैं चोकोफिल्स, आप कोई भी कुकीज़ यूज़ कर सकते हैं. और जो लोग वीगन्स हैं उनके लिए वीगन मैंने कुछ बटर लिया है, और इसकी जगह आप घी भी यूज़ कर सकते हैं. और जो लोग वीगन हैं वो इसकी जगह वेजिटेबल ऑयल यूज़ कर सकते हैं. और ये मैंने कुछ पानी लिया है जिसको हम डो लगाने में यूज़ करेंगे. तो आइए हम डो लगाना स्टार्ट करते हैं. आटा लगाना, ये मैंने एक बाउल ले लिया है, इसमें हम मैदा डाल लेंगे. ये मैदा मैंने अच्छे से छान कर लिया है. मार्केट में कभी कभी मैदे में कुछ निकल आता है, तो आप अच्छे से छान कर इसको यूज़ कीजिए. और ये जो मैंने शक्कर का भूरा लिया था एक चम्मच, वो मिक्स कर लेंगे. ये इसमें मैं आधा चम्मच जो बेकिंग पाउडर लिया था, बेकिंग सोडा, वो यूज डाल दूंगी. और ये चार चम्मच बटर है, ये बड़ा चम्मच है इसलिए दो में ही काम चल गया. आप अगर नॉर्मल टेबल स्पून यूज़ कर रहे हैं तो आप चार चम्मच लीजिए उसका क्वांटिटी का. इनको अच्छे से मिक्स कर देंगे. ये देखिए, सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स करना है. जैसे हम नॉर्मल कचौड़ी बनाते हैं उसके लिए जो डो लगाते हैं वैसा ही डो लगाना है. देखिए आटे का कलर भी चेंज हो रहा है. सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए. ये देखिए, और मैं आपको बता भी देती हूँ, आटा आपका ऐसा होना चाहिए. ये देखिए ऐसे टूट रहा है, ये लड्डू टाइप का जो बनता है ऐसा बनना चाहिए. कचौड़ी का क्रिस्पीनेस इसी से पता चलता है, जो हम आटा लगाते हैं. अगर आपका आटा इस तरह से ये बन रहा है लड्डू जैसा, तो आपकी कचौड़ी का जो ऊपर का आउटर लेयर रहेगा वो काफ़ी अच्छा क्रिस्पी रहेगा. और कुछ ट्रिक्स सेकने में भी रहती है, वो मैं सेकते टाइम आपको बता दूंगी. तो चलिए हम डो लगाना स्टार्ट करते हैं. इसका हमको हार्ड डो लगाना है, मतलब थोड़ा टाइट लगाना है, जैसा हम पूड़ी के लिए लगाते हैं, सॉफ्ट नहीं लगाना है. इसका आपको ध्यान रखना चाहिए. ये देखिए, इतना डो लगाने के लिए हमको मुश्किल से एक टेबल स्पून पानी लगा होगा. अच्छे से इसको लगा लीजिए. ये हमारा डो लग के तैयार हो गया है. अब इसको हम कुछ 15 से 20 मिनट के लिए ढककर इसको साइड से रख देते हैं रेस्ट करने के लिए. ये 15 से 20 मिनट के लिए आटे को सेट होने के लिए मैंने रख दिया था. हम इसको ठंडा होके और आटे को फिर से अच्छे से थोड़ा मिक्स कर देंगे. आटा अच्छे से सेट हो गया है. ये मैंने फ्लेम ऑन करके रख दिया है कढ़ाई का, और कढ़ाई को थोड़ा कढ़ाई में ऑयल डालकर उसको थोड़ा गर्म होने के लिए रख देते हैं. जब तक हम फिल करेंगे कचौड़ियाँ तब तक हमारा ऑयल भी गर्म हो जाएगा. तो मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे हमको इनको फिल करना है.
इसको एक जैसा लोई जैसा कर लीजिए, और जैसे कि हम कटोरी जैसा शेप दे दीजिए। किसी भी जगह से, एक जगह से पतला ना करें, नहीं तो वहां से कचौड़ी फट जाएगी और जो चॉकलेट जो भी हम फिलिंग भर रहे हैं वो बाहर आ जाएगी। ये देखिए ऐसा कचौड़ी जैसा शेप देना है हमको, और इसमें ये कुकीज सेट कर लीजिए। और अब इसको स्लोली स्लोली इस तरह से स्लोली स्लोली आटे को ऊपर लेके आएंगे। थोड़ा टाइम लगता है लेकिन अच्छे से सेट हो जाएगा। ये देखिए आटा आ रहा है बाहर, ऊपर साइड में आ रहा है ऐसे घुमा घुमा कर। थोड़ा और लेके आते हैं, ये देखिए आ गया है। अब इसको मैं यहाँ पर बंद कर दूंगी और थोड़ा सा गोल गोल कर दीजिए। इसी तरह हम बाकी की सारी कचौड़ियाँ भर लेंगे। ये बाकी की कचौड़ियाँ भी मैंने भर कर रख ली हैं, और तेल भी गर्म हो गया है। तेल मीडियम गर्म करना है, ना ही बहुत तेज होना चाहिए और ना ही स्लो होना चाहिए एकदम से। और इसमें मैं ये कचौड़ियाँ डाल दूंगी। आप चेक कर लें अगर कहीं से टूट रही है तो कचौड़ी उसको साइड से हटा दें, अच्छे से सेकना इसको। ये देखिए, और ये देखिए, ये मैंने जो सूखा आटा लिया था डस्टिंग के लिए तो इसका मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी है, तो इसको मैं साइड में हटा कर रख दूंगी। ये देखिए इन कचौड़ियों को गोल्डन ब्राउन होने तक सेकना है हमको, और लो फ्लेम पर ही सेकना है। लो फ्लेम पर सेकेंगे तभी देखिए बढ़िया से ये गोल्डन ब्राउन होने तक हमारी ये सिक गई हैं। दूसरी साइड से भी ऐसे ही इनको सेक लेंगे। ये देखिए कचौड़ी हमारी सिककर तैयार हो गए हैं, दोनों तरफ से बढ़िया गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब मैं इसको निकाल लूंगी। आपके पास अगर किचन टॉवल है तो आप इसमें निकाल लीजिए, या फिर कोई भी किचन पेपर है उसमें निकाल लीजिएगा, जिससे कि एक्सेस इसमें जो ऑयल होगा वो ऑब्जर्व हो जाएगा। ये देखिए सारी कचौड़ियाँ हमने निकाल ली हैं। जो भी हमने क्वांटिटी ली थी 1 कप आटे की, उससे हमारी ये 5 कचौड़ियाँ बनकर तैयार हुई हैं। देखिए बहुत अच्छी कचौड़ियाँ बनकर तैयार हो गई हैं। अब इसको मैं एक बाउल में निकाल दूंगी। ये देखिए गरम है। अब मैं आपको कट करके भी बताती हूँ। ये देखें कचौड़ी को मैंने बीच में से तोड़ा है, कितना बढ़िया चॉकलेटी टेक्सचर दिख रहा है। ये सभी को बहुत पसंद आने वाली है, चोको फिल से तो बट ऑब्वियस है बच्चों को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो आप प्लीज़ इसको एक बार ज़रूर बनाइए, खाइए और मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में कि आपको ये कैसी लगी। आपको रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि आगे आने वाले वीडियोस के अपडेट आपको मिलते रहें। थैंक यू, बाय।